नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम लोग अपने इस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सीरीज में आज 2003 के पीजीटी एग्जाम के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये सभी पेपर यूथ कंपटीशन की जो बुक है, उस कंपटीशन में जितने भी उस बुक्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। साथ के साथ उस बुक में जो भी प्रिंटिंग एरर आई है, उस प्रिंटिंग एरर को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, जिससे आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी साथियों का फोन आ रहा था कि सर उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसको लेकर के फिर परेशानी होती है कि रियल आंसर क्या होगा। तो इन सभी कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे और उनके क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से उनका स्वरूप बना है और कैसे उसे हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 2003 के क्वेश्चन पेपर का है हमारा ये प्रारूप है और इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो शिक्षा ग्रहण करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होना चाहिए। तो शिक्षा ग्रहण करने का सबसे उपयुक्त तरीका अगर हम देखें तो इन चार विकल्पों पर बात की जाए। तो पहला कह रहा है कि वर्तमान परीक्षा पद्धति सबसे सही तरीका है, या सब पुस्तकीय परीक्षा प्रणाली ये ज्यादा अच्छा तरीका है, या फिर सेमेस्टर पद्धति ये अच्छा तरीका है, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र ये ज्यादा अच्छा तरीका है। तो फिलहाल इन सभी चारों विकल्पों में से सेमेस्टर प्रणाली को एक अच्छा तरीका माना गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। वर्तमान में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर एग्जाम्स सेमेस्टर प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है और वहाँ पर इसी प्रक्रिया के माध्यम से एग्जाम्स हो रहे हैं। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से सेमेस्टर प्रणाली अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप सभी अगर इससे आपका सामना हो रहा होगा तो देख रहे होंगे कितनी प्रॉब्लम आ रही है। सेमेस्टर एग्जाम्स मेरे व्यक्तिगत तौर पर वैसे अच्छी है, अगर इसको एकदम व्यवस्थित कर लिया जाए, एकदम टाइम टेबल पंक्चुअल कर लिया जाए तब तो ठीक है, वरना बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कब उनकी क्लास स्टार्ट हुई, कब उनके पेपर स्टार्ट हुए, कब फिर से उनकी क्लास स्टार्ट हो गई, कब फिर से परीक्षा होगी। तो पूरा साल जो है, पूरा उनका ईयर जो है वो एग्जाम्स में ही चला जाता है और चीज़ें समझ में नहीं आती। जो हमारी पहली व्यवस्था थी कि हम जून जुलाई से अपना सेशन स्टार्ट करते थे और दिसंबर जनवरी तक आकर के सारा सिलेबस खत्म हो जाता था और फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक एग्जाम्स होते थे और फिर छुट्टियां हो जाती थी। तो वो एक वातावरणीय व्यवस्था के अनुकूल व्यवस्था थी, लेकिन आज के समय में ये जो सेमेस्टर प्रणाली है जिसमें साल भर चीजें हैं, वहां पर कुछ चैलेंज तो आ रहे हैं। ये आप सभी साथी इस पर विचार कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन है क्योंकि आप सभी शिक्षा शास्त्री हैं, तो कुछ जो वर्तमान चीजें हैं उन पर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए जो आपके लिए एक सजीव मस्तिष्क के निर्माण में सहायक हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है। तो शिक्षा के सप्त सूत्र जो सात सूत्र हैं, वो उन सात सूत्रों के जो गुण हैं उनमें किसे सबसे अच्छा माना गया है। तो ये जो व्यवस्था है वो उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई हैं। पहली मानवता को कहा गया है, चारित्रिक योग्यता को ये बात कही गई है, अगला आत्मानुभूति को केंद्रीभूत गुण माना जा सकता है, या आर्थिक प्रबुद्धता को केंद्रीभूत गुण माना जा सकता है। तो इस श्रृंखला में प्रश्न का उत्तर माना गया है आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति को शिक्षा के सप्त सूत्रों के अंतर्गत केंद्रीय गुण माना गया है। अब ये प्रश्न आया कहाँ से और ये शिक्षा के सप्त सूत्र का वर्णन मिलता कहाँ पर है, इसकी अगर हम बात करें तो मेरे विचार से ये जो तथ्य है, ये जो शिक्षा के सप्त सूत्र है, गांधी जी के शिक्षा उद्देश्य, अगर उनको अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो उसके अंतर्गत ये सूत्र हमें मिल सकते हैं, और जो तात्कालिक और सर्वोच्च उद्देश्य हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर बात हो सकती है, और अंतिम समय में मतलब इन सभी सूत्रों में से या सभी उद्देश्यों में से सबसे जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो उन्होंने सत्य और ईश्वर की प्राप्ति को बताया है, या उसे आत्म अनुभूति कहा गया है, जिसको मैंने आपको लेक्चर में और नोट्स में बताए हुए भी हैं। शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण किसे माना गया है,
शिक्षा के तात्कालिक और सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत इसे हम पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वहीं से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? स्टर्न ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है, मैकडूगल ने कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये मूल प्रवृत्ति से या स्वाभाविक प्रवृत्ति से संबंधित ज्यादातर मैकडूगल की डेफिनेशन होती है, इसी से आप संबंधित कर लीजिएगा। खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये मैकडूगल ने कहा है। अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें कि नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, मुक्ति शिक्षा किताब में लिखा है, लेकिन मुक्त शिक्षा जब इसे आप डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन कहेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मतलब एग्जाम्पल के रूप में डिस्टेंस एजुकेशन पत्राचार पाठ्यक्रम का औचित्य है। तो इसका क्या औचित्य है, किस लिए इसकी व्यवस्था की गई है? तो कहते हैं कि इसकी व्यवस्था किस लिए की गई है, बेरोजगारी को कम करने के लिए, निरक्षरता को कम करने के लिए, शैक्षिक अवसरों की समानता को बढ़ाने की दृष्टि से, या शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से। तो मेरे साथियों, आप सभी ने अगर रेगुलर वीडियोस देखे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग में, तो मैं आपको हमेशा ये बताता चलता हूँ कि प्रयास, चाहे आप कई पेपर सॉल्व कर लीजिए, चीजें समझ में तब तक नहीं आएंगी जब तक आप उनको रिलेट नहीं करेंगे कि पिछले लेक्चर में या पिछले पेपर में इस टॉपिक से किस तरीके का प्रश्न पूछा गया और अगले पेपर में इसी टॉपिक से किस तरीके का प्रश्न आ गया है। तो हम सभी ने अभी तक जितनी बातें यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ी हैं, उससे संबंधित ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और वहां पर भी शैक्षिक अवसरों की समानता की बात कही गई है। तो थोड़ा सा पैटर्न, परीक्षा के पैटर्न को समझने का प्रयास करिए कि इस पार्ट से अगर कोई प्रश्न आता है तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। जिसे आप कहते हैं देसी भाषा में जुगाड़, तो वो जुगाड़ आप समझने का प्रयास करिए कि पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो इसका कई बार क्या होता है कि डेफिनेशन इतनी टफ कर देते हैं, चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम जो हमारा पूर्व ज्ञान है उस आधार पर ही हम प्रश्नों को लगाने का प्रयास करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी औचित्य के रूप में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, वहां पर शैक्षिक अवसरों की समानता ही इसका आंसर रहा है। अगली बात देखें तो कहा गया एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के लिए कैसा होता है? तो शारीरिक विकास के लिए घातक है क्या, या सर्वांगीण विकास में बाधक होता है, विषय संबंधी बहुविधि जानकारी में बाधक हो सकता है, या शिक्षक के प्रति आदर को बढ़ाता है? तो एक ही विधि से पढ़ाने से क्या होगा? पहली बात तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दूसरा बच्चों को जो विभिन्न माध्यमों से उस विषय के बारे में जानकारी मिल सकती है वो प्राप्त नहीं होगी, इसलिए विषय संबंधी बहुविध जानकारी में ये बाधक होता है एक ही तरीके से पढ़ाना। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? तो व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उचित रोजगार का मिलना, शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ रोजगार करना, विशिष्ट रोजगार संबंधी शिक्षा, या शिक्षा के साथ साथ रुचि अनुकूल रोजगार की शिक्षा। ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है कि शिक्षा के साथ साथ बालक को उसकी रुचि के अनुसार जो भी रोजगार सिखाया जा सके वो व्यवसाय परक शिक्षा के अंतर्गत रखी जाएगी। अभी तक हम लोगों ने 6 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और आगे 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न 7 नंबर का, कि कला शिल्प तथा गृह विज्ञान की परीक्षा में अंकों का आधार क्या होता है? मतलब प्रश्न समझ में आया आपको कि आर्ट है, एक पेपर आपका आर्ट का पेपर है, दूसरा आपका क्राफ्ट का पेपर है, ठीक, दूसरा पेपर किस चीज का है, क्राफ्ट का पेपर है, और तीसरा हम सब जानते हैं किसका है, होम साइंस का पेपर है। तो होम साइंस का पेपर है और इस होम साइंस में मान लो प्रैक्टिकल हो रहा है, तो प्रैक्टिकल जब होगा तो बच्चों को नंबर किस आधार में मिलेगा? तो जो चीजें उन्होंने बनाकर तैयार की है, जो चीजें उन्होंने बनाकर क्या की है, तैयार की हैं, उन उस तैयार की गई वस्तु या जो पदार्थ है वो किस प्रकार का है, कैसा है, फाइनल प्रोडक्ट कैसा है, उस आधार पर ही, अगर वो अच्छा बना है तो उसको अच्छे अंक मिलेंगे, कम अच्छा बना तो कम अंक मिलेंगे, इसी आधार पर यहाँ पर नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम आप सभी ने दिया है, आप सामने वाले को नंबर
जब आप पता चला गमला बनाने को दे दिया गया आपको, कोई फ्लावर पॉट बनाने को दे दिया गया, या होम साइंस में तो दावतें हो जाती है। ठीक, तो इसमें विकल्प देखते हैं और हम, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर तुरंत आंसर लगा लेंगे। लगाया गया समय, प्रयुक्त सामग्री, प्रयुक्त प्रक्रिया या अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्ट यानी हमारा क्या है, उस आधार पर यहाँ पर अंकों का वितरण होता है। चीजें आई थिंक समझ में आ चुकी होंगी आपको। भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा किस बात की परीक्षा की जाती है? भाषा में अभिव्यक्त, निष्कर्ष निकालने में, तथ्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने में, भाषा का रचनात्मक उपयोग करने में, या किसी कहानी को समझने में। तो भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा किसी बात की परीक्षा की जाती है, किसके माध्यम से? भाषा का रचनात्मक प्रयोग करना अगर आपके अंदर आता है तो आप अच्छे तरीके से उसे अभिव्यक्त कर पाएंगे, और भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति के अंदर भाषा की रचनात्मक प्रयोग की जांच की जाती है। चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, दोबारा इन सब चीजों को पढ़ने की जरूरत न पड़े। अगला प्रश्न कहता है कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुम्हें दिखे उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, जो विचार कर रहे हो, उठाने नहीं जा रहे हो, तुम विचार कर रहे हो, वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। यह कथन किसका है? गांधी जी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, जाकिर हुसैन का है, या इंदिरा गांधी का? तो इतने बड़ा बवाल गांधी जी का, डेफिनेशन इन्हीं की है। ठीक है, सबसे कमजोर और गरीब आदमी जो देखे उसके बारे में सोचने विचारने की बात कहने की वर्णन जो है वो गांधी जी का है। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE को सर्वोच्च प्राथमिकता किस आयोग या नीति में दी गई? तो देखते हैं, शिक्षा आयोग 1964-66 में, मतलब कोठारी आयोग, इस कोठारी आयोग के आधार पर बनी शिक्षा नीति 1968 में, या अगली शिक्षा नीति 1986 में, या माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 में? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में जो व्यवस्थित चर्चा आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिल जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी होनी चाहिए? संवेगों की संख्या, ठीक है, अब की हटाई दो, संवेगों की संख्या है कितनी? 3, 9, 12, 14। तो फिलहाल मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, जो अब तो वैसे बढ़ती जा रही, नई रिसर्च में संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब ज्यादा न मत जानो, इतने जानो कि 14 है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन हु सेड, तो हु से सो, तो महात्मा गांधी ने कहा क्या, ऋषि अरविंद ने कहा क्या, स्वामी जी ने कहा, या रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया? तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो सैकड़ों बार पूछी जा चुकी है और आपको याद होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद। उत्तर प्रदेश ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए क्या प्रयास किए हैं? आंगनबाड़ी की स्थापना की, शिक्षा मित्र नियुक्त किए, नर्सरी विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाया, मॉन्टेसरी विद्यालय, तो ये सब कुछ नहीं किया। आंगनबाड़ियों की स्थापना जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित ही है। सन 1975 में कौन सी रिपोर्ट लागू की गई थी? 1975 में, ठीक, तो राधा कृष्णन नहीं, 1948 है, ठीक, 48-49, कोठारी आयोग 1964 और 66 है ना, मैकाले 1835 है, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, 1975 में कोई भी रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। विकलांगों की शिक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस जगह पर है? तो विकलांगों की शिक्षा की समस्या जो है यहाँ पर वाराणसी बात आ रही है, देहरादून में भी एक जो विजुअली हैंडीकैप्ड बालक है उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी होती है। फिलहाल यहाँ पर विकलांगों की बात आ रही है, तो इसका जवाब वाराणसी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सहायता अनुदान प्रथा की संस्तुति किस संस्तुति के आधार पर चली? किसकी संस्तुति पर, ठीक है, किसकी संस्तुति के आधार पर चली? मैकाले के प्रतिवेदन पर, 1913 के चार्टर पर, वुड प्रतिवेदन पर, या शिक्षा सलाहकार समिति की संस्तुति के आधार पर? तो हम जब सभी जानते हैं सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव वुड के घोषणा पत्र में दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं, और क्वेश्चन 17 नंबर का है, कह रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में की गई, 1882 में की गई, या 1887 में की गई, या 1885 में की गई, 1885 में की गई? तो साथियों,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर तब की गई, 23 सितंबर 1887 को की गई, 1887 को की गई। किसके प्रयासों से? तो इसको एल्फ्रेड मायर, ठीक है, एल्फ्रेड लायर के प्रयासों से। और अगर क्वेश्चन मान लो आ जाए कि इसका नक्शा किसने बनाया, क्राफ्ट किसने किया इसको, तो इमर्सन ने इसका नक्शा बनाया था। किसने बनाया था? इमर्सन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नक्शा बनाया था, ठीक है। म्योर कॉलेज था पहले, होता क्या था, देखो एक मिनट कंफ्यूजन थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं इसको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। विश्वविद्यालयों भारत में, क्वेश्चन अगला बनता है, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव कब दिया गया? तो वुड के घोषणा पत्र में दिया गया। वुड के घोषणा पत्र 1854 में आया, 1857 की क्रांति हो गई, हम सब जानते हैं उसको लागू होते ही, मतलब उसके 3 वर्षों के पश्चात जब तक उसके विचारों को लागू किया जाता। फिर भी हमारे देश में 3 विश्वविद्यालय खुल गए थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, 3 विश्वविद्यालय लगभग समान समय में खोले गए। अगला जो चौथा है वो हमारा 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में खोला गया। हाँ, तत्समय एक फाउंडेशन थी, या कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय अगर आपको खोलना है तो आपके पास एक कॉलेज होना चाहिए, एक आपके पास डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप वहाँ, आपको विश्वविद्यालय की मान्यता मिल सकती है या आप बना सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निर्माण के पीछे किस कॉलेज का योगदान है, तो म्योर कॉलेज का स्थान है, ठीक है, क्या योगदान है, क्योंकि वहाँ के एक गवर्नर जनरल थे और उन्होंने म्योर संयुक्त प्रांत के, उनके नाम पर एक म्योर कॉलेज बनाया गया था, उसी कॉलेज से आगे जो डेवलपमेंट हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हुआ है, ठीक है, इतनी बातें आप समझ लीजिए। कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बुनियादी शिक्षा योजना पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए जिस समिति की नियुक्त की थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद साहब थे, जाकिर हुसैन जी थे, या बीजी खे थे, या आचार्य नरेंद्र देव? तो CABE यानी सरकारी संस्था थी, और इस सरकारी संस्था ने जो बुनियादी शिक्षा थी गांधी जी वाली, जिस पर जाकिर हुसैन समिति का निर्माण हुआ था, उसको उसकी विस्तृत रिपोर्ट के लिए, यानी सरकारी जो रिपोर्ट बननी थी उस रिपोर्ट के लिए जो जिस समिति की नियुक्ति की गई थी उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर महोदय। अगले प्रश्न पर आते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एक्ट कब पास किया गया? 1925, 1921, 30 और 39। यूथ की बुक में इसे 1939 कहा गया है, लेकिन बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एक्ट 1921 में पास किया गया, 1921 में। तब से विश्वविद्यालयों से इंटर कक्षा 12 की जो परीक्षा थी या उनकी पढ़ाई थी उसका भार वहां से समाप्त हुआ और एक पृथक बोर्ड की स्थापना की गई। और इस बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप बताएंगे तो मैंने इसको पढ़ा भी रखा बहुत अच्छे तरीके से, और देखते हैं कि आपने वो लेक्चर पढ़ा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आप सही कर लीजिए, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एक्ट कब पास हुआ? तो 1921 में पास हुआ। एक विद्यार्थी के लिए सामाजिक रूप से जो स्वीकृत आदत हैं और अभिव्यक्तियों को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान क्या है? विद्यालय है, खेल का मैदान है, और घर है या क्लब है? तो सामाजिक रूप से स्वीकृत या इच्छित आदत और अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसका सबसे अच्छा स्थान विद्यालय है, इसीलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा गया है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हजारों की संख्या में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, अच्छा काम किया। इनमें नियुक्त किए जाने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने क्या किया? अच्छा, पूरी सब्जी बंटवाई, बहुत से नॉर्मल स्कूल खोले, सचल शिक्षा दल द्वारा शिक्षा दिलवाई, उन्हें अप्रशिक्षित ही रहने दिया, ये सबसे सही बात, प्रधानाचार्यों ने उन्हें कक्षा में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया। तो कुछ नहीं, बहुत से नॉर्मल स्कूल खोले गए, नॉर्मल स्कूल का मतलब ये होता है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक कौन थे?
तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जो बाद में जाकर के क्या बन गया, एएमयू बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, उसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋषि अरविंद को स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक प्रेरणा कहाँ से मिली? गायत्री मंत्र से मिली, ईश्वर के साक्षात्कार से मिली, या स्वामी दयानंद से मिली, या बंकिम चंद्र के वंदे मातरम से मिली? तो 1905 का समय था, बंगाल विभाजन का आदेश सरकार द्वारा किया गया था। इसके विरोध में पूरे देश में क्रांति सी फैली थी, और उस समय महर्षि अरविंद, जो एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी सारी नौकरी और व्यवस्थाओं को छोड़ करके भारतीय स्वतंत्रता में प्रतिभाग करना शुरू कर दिया, और वो बंकिम चंद्र के वंदे मातरम से काफी प्रभावित हुए। शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार समिति ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए पहली बार कब संस्तुति की थी? तो वैसे तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसी समय हमने माध्यमिक और प्राथमिक दोनों आयोगों को बनाने की बात कही थी, और मैंने आपको शायद पढ़ाया भी है कि जब 1948 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की जा रही थी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की जा रही थी, उसी समय माध्यमिक शिक्षा आयोग को भी एक माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बनाने की बात कही गई थी। लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट जो थी, उसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मानने से अस्वीकार कर दिया गया था, और वो रिपोर्ट थी ताराचंद कमेटी। और ताराचंद कमेटी का गठन किया गया था, कब किया गया था ताराचंद कमेटी? वैसे तो ये 1948 भी है, लेकिन रिपोर्ट जो है सबमिट की है इसने 1949 में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न को देखने वाला मेन अगर आंसर की मिले तो बात हो कि पहली बार संस्तुति की गई थी अगर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा, तो जुलाई में, मतलब 1948 में ही माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए ताराचंद कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी ने 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। लेकिन इस कमेटी की सिफारिशों को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अस्पष्ट और अपूर्ण कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो यहाँ पर अपॉइंट करने की अगर बात आएगी, तो ये अपॉइंट करने के बाद 1948 ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बुक में ये जनवरी 1949 दिया हुआ है, 49 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, तो इस पर जो जानकार साथी हैं वो जरा कमेंट करें कि क्या होना चाहिए, मैंने सारी चीजें आपको पढ़कर बताई हैं। फिलहाल ये अगर आयोग ने 49 माना तो बच्चे 48 भी करवा लेंगे, 48 माना तो 49 भी करवा लेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न होना चाहिए कि किस समिति का गठन किया गया, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जो समिति थी पहली बार, जो मुदालियर आयोग आप सबने पढ़ा है, लेकिन मुदालियर आयोग से पहले भी एक ताराचंद कमेटी का गठन किया गया था, जब हमारा देश तुरंत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जब स्थापना की गई है उसी समय इस पर भी हमने काम किया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट हम सरकार को समझ में नहीं आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति निम्नांकित में से किन राज्यों में से लागू नहीं की गई? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और या त्रिपुरा? तो कहते हैं कि त्रिपुरा में माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति लागू नहीं की गई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 26 नंबर का क्वेश्चन है, और 26 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कहता है कि राधा कृष्णन की अध्यक्षता में काम करने वाले विश्वविद्यालय आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ये ठीक सवाल है, 48 में इसका गठन हुआ है और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर, अच्छे प्रश्न है इस तरीके से। बुनियादी शिक्षा के लिए पहला शैक्षणिक सम्मेलन कब हुआ? तो बुनियादी शिक्षा के लिए पहला जो शैक्षणिक सम्मेलन है 1936, 37, 38 और 39, तो हम सभी जानते हैं वर्धा शिक्षा सम्मेलन, और वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1937 में किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो कहता है कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित फिर से प्रश्न है कि रूपरेखा लिखित रूप से तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, जाकिर हुसैन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। तो पूर्व में भी मैंने आपको बता रखा है कि बुनियादी शिक्षा की लिखित रूपरेखा तैयार करने के लिए, उस बुनियादी शिक्षा को मूर्त रूप देने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है उसका नाम है जाकिर हुसैन समिति। अब जाकिर हुसैन समिति सरकार की समिति नहीं थी, ये कांग्रेस ने अपने
हिसाब से इसकी समिति बनवाई थी, मतलब जाकिर हुसैन गांधी जी ने जो वर्धा में विचार दिए थे उन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया 37 में, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट 39 तक सबमिट की है, 39-40 तक। अब इसी समय सार्जेंट कमीशन 1944 में जब बन रहा था, तो उन बुनियादी शिक्षा की सिफारिशों को सरकार अपनी नीतियों में लागू करे या न लागू करे, इस पर विचार करने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था बीजी खेर समिति। और इस समिति ने सबसे पहले सुझाव दिया था कि बुनियादी शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाए, शहरी क्षेत्रों में भी इसे लागू करने की जल्दीबाजी नहीं है। भारत में शिक्षा का स्तर कम से कम उतना हो जितना 50 साल पहले था, 50 साल इंग्लैंड पहले इंग्लैंड में था, ऐसी संस्तुति किसने की? लॉर्ड बॉवेल, माउंटबेटन, सर्जन सार्जेंट या इनमें से कोई नहीं। तो सार्जेंट कमीशन आने वाला था जो 40 साल का लक्ष्य लेकर आया था, और इस आधार पर जो प्रश्न का आंसर होगा सार्जेंट कमीशन होगा। अगला प्रश्न देखें, त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति किस आयोग ने की? मुदालियर ने की, राधा कृष्णन ने की, कठारी आयोग, या इनमें से कोई नहीं। त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति मुदालियर कमीशन के द्वारा की गई है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन लागू करने की बात जब भी कभी आएगी तो आप लगाइएगा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन है? किंडरगार्टन फ्रोबेल है, पेस्टोलॉजी है, जॉन लॉक है, या मॉन्टेसरी है? तो हम सभी जानते हैं किंडरगार्टन फ्रोबेल की है, मारिया मॉन्टेसरी की मॉन्टेसरी पद्धति है। अगले प्रश्न पर आ जाए, बहुत जो जिसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है उसको बहुत समय अपना नहीं गंवाना है, हमें फटाफट अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। विचारों की अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु सर्वोत्तम क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है, बात समझ में आ गया ना? विचारों की अभिव्यक्ति को बना बना के लिखो, तो बना बना के किस में लिख सकते हो? निबंधात्मक परीक्षा में, प्रायोगिक परीक्षा में, वस्तुनिष्ठ में, या मौखिक में? तो हम सभी जानते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हमको कहानी लिख सकते हैं। तो बीच में आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि ऐसे साथी जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो एक नैतिक दायित्व भी आपका है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जिससे आपको नए कंटेंट इससे मिल सकें। क्वेश्चंस के साथ साथ कल मैं आपको हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के 3 दिन मंडे ट्यूजडे वेंसडे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और आगे के 3 दिन मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा। तो कंटेंट में मैंने आपको रिसर्च में लास्ट में छोड़ा था, रिसर्च प्रॉब्लम आपको मैंने पढ़ाई थी, अब मैं आपको हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा, रिव्यू और लिटरेचर के बारे में पढ़ाऊंगा, और फिर उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास आगे के भी पार्ट को करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल उपयोगी होगा, निश्चिंत रहिए। देश में इंजीनियरिंग शिक्षा का भविष्य कैसा है? बहुत बढ़िया है, अच्छा जो लिखा भी है, इसका भविष्य अच्छा है, इसकी बेकारी मिट जाएगी, उद्योगों की आवश्यकता से अधिक इंजीनियर निकल जाएंगे और देश माला माल हो जाएगा। तो माला माल बहुत हो जाएगा। चलो सीधे बताओ देश का भविष्य, इसका भविष्य अच्छा है क्योंकि सारी बातें लगभग सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक संचार माध्यमों के कारण लोग घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि सारे मास्टर साहब जो है बेकार हो जाएंगे। संचार माध्यमों के द्वारा अच्छी शिक्षा मिलेगी, पाठकों को उच्च कोटि की सामग्री मिलेगी, संचार माध्यम अध्यापकों का स्थान नहीं ले सकते, अच्छे अध्यापकों का महत्व अक्षुण रहेगा। ये बात सही है आत्मिक रूप से, परंतु इस प्रश्न का जवाब जो होना चाहिए वो ये है कि संचार माध्यमों के बढ़ने से लोगों को विभिन्न प्रकार की उच्च कोटि की सामग्री मिल सकेगी जिसे वो स्वयं की बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी। विज्ञान में आपको अपना विवेक तो हमेशा सदैव इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगला लिखा है कि वैदिक युग में शिष्यों के सुधार के लिए दंड की प्रक्रिया थी क्या? तो कठिन शारीरिक दंड देना, दंड न देना, शिष्यों के सुधार के लिए शारीरिक दंड के न देकर कोई अन्य दंड देना, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में दंड की व्यवस्था थी, लेकिन शारीरिक दंड देने की बात बहुत ज्यादा वहां पर नहीं मिलती है। उनसे श्रम करवा लिया जाता था, मेहनत करवा ली जाती थी। आज भी आर्मी में भी जो शारीरिक दंड है उसके की तो व्यवस्था थोड़ी बहुत बहुत कम परिस्थितियों में है, लेकिन ज्यादातर उनसे शारीरिक श्रम करवा लिया जाता है। तो शिष्यों के सुधार के लिए शारीरिक दंड के न देकर उन्हें कोई अन्य दंड देना, जैसे झाड़ू लगवा दिया उनसे पूरा, ठीक है, धूप में खड़ा कर दिया। वैदिक युग की शिक्षा मुख्य रूप से आधारित थी, वैदिक युग की शिक्षा गीता रामायण पर, कर्मकांड पर, शिक्षकों की इच्छा पर, या वेदों पर? तो वैदिक युग की शिक्षा मुख्य रूप से वेदों पर आधारित थी, इसीलिए उसे वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति कहा गया है।
अगले प्रश्न पर आ जाएं तो कहता है कि बुद्ध प्रवर्तित शिक्षा में क्या था? वेदों को कोई महत्व नहीं था, ब्राह्मणों को महत्व दिया गया था, शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी और जात पात की व्यवस्था थी। बिल्कुल नहीं, न ब्राह्मणों को कोई विशेष स्थान था, शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी और जातिवाद की कोई व्यवस्था नहीं थी, और यहाँ पर वेदों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि बुद्ध काल में पतिमोक्ष का सार्वजनिक पाठन किया जाता था। का सार्वजनिक पाठन कब किया जाता था? ये एक प्रकार से कन्फेशन है, और कन्फेशन किस तरीके से होगा? गौतम बुद्ध का ध्यान करते थे, अपने गुरु का स्मरण करते थे, अपनी गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते थे और बौद्ध धर्म में शिक्षित होते थे। तो पतिमोक्ष जो है एक प्रकार का कन्फेशन है, जहां पर आपको अपनी गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होता था। अगले प्रश्न पर आए, 39 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि गुरुकुल की शिक्षा के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? क्या है सही बताओ भाई। इस पर राजा का कोई अधिकार नहीं था, इस पर राजा का पूर्ण अधिकार था। राजा गुरुकुल में तभी दखल देता था जब विद्यार्थियों का शोषण होता था, ज्यादा राजकोषीय गुरुकुल को सहायता नहीं देता था। तो ऐसा बात नहीं है, राजा का कोई अधिकार नहीं था, राजा का पूर्ण अधिकार भी नहीं था। वैसे जब भी, ये तो बिल्कुल एक सामान्य सी बात है, जब भी जनता है उसकी और जनता का शोषण होगा तो राजा जरूर उसमें दखल देगा। ठीक, तो राजा गुरुकुल में तभी दखल देगा जब विद्यार्थियों का शोषण होगा। अर्धवर्यु, ठीक, अर्धवर्यु की बात अगर की गई है तो यहाँ पर ये वैदिक कालीन से संबंधित प्रश्न है और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। कहा गया है अधवर्यु क्या करता था? यज्ञ कराता था। अधवर्यु क्या करता था? यज्ञ कराता था, या फिर यज्ञ के समय मंत्र पढ़ता था, यज्ञ की वेदी का निर्माण करता था, या फिर इनमें से कुछ नहीं करता था। तो अधवर्यु जो था वो इनमें से लगभग कोई काम इसका नहीं था। ठीक, सभी प्रकार के जो चारों वेद हैं उन चारों वेदों के उच्चारणकर्ता को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक, यज्ञों के संपादन करने वाले को ऋत्विज कहा जाता था, और जो कर्म कांड का भार वहन करते थे, ठीक है, क्या करते थे? कर्म कांड का भार वहन करते थे, उन्हें अर्धवर्यु कहा जाता था। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं प्रश्न का जवाब होता। अगला, सहसंबंध क्या है? दो पदमालाओं के वर्ग का अंतर है, दो चर राशियों में पाया जाने वाला संयुक्त तो संबंध है, दो जीवों पर पारस्परिक संबंध है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि सहसंबंध है किसके बारे में, तो दो वेरिएबल जो हमारे एक्सपेरिमेंट में है उन दोनों वेरिएबल में जब उन्नति हो तो इधर भी उन्नति हो, जब इधर अवनति हो या इन्हें डिक्रीजिंग हो तो इधर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना चाहिए। दो चर राशियों में पाया जाने वाला कैसा संबंध? संयुक्त संबंध है। ठीक है, वहां पर बुक में चल राशि लिखा है तो उसको सही कर लीजिएगा, चर राशि। सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है? चर राशि मतलब वेरिएबल जिनका मान बदलता रहता है। सांख्यिकी का उद्देश्य क्या है? मनोविज्ञान का अध्ययन करना है, सामाजिक लाभ की प्राप्ति करनी, संख्या शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, या गणित का अध्ययन करना है। तो गणित के लिए गणित है, अलग है ये। सांख्यिकी जो है संख्या से संबंधित है और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, तो संख्या शास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन करना। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और बात करते हैं। कह रहा है कि भारतवर्ष बुनियादी शिक्षा की योजना किसके आदर्शों के आधार पर बनाई गई? भारतवर्ष में, ठीक है, भारतवर्ष में बुनियादी शिक्षा की योजना, हम जानते हैं महात्मा गांधी, टैगोर, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, तो ये सामान्य सा प्रश्न है, सभी जानते हो गांधी जी के बारे में। बनारस संस्कृत कॉलेज, मैंने आपको तीनों कॉलेज में तक कहा था पहले ही लेक्चर में कि याद रखना एकदम, कलकत्ता मदरसा याद रखना, ठीक है, 1781 कलकत्ता मदरसा, मतलब तीनों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को, हिंदुओं को खुश करने के लिए विद्यालय स्थापित कर दिए गए, बनारस संस्कृत कॉलेज। तो 1781 में आपका कलकत्ता मदरसा है और 1791 में, 10 साल बाद क्या है आपका? बनारस संस्कृत कॉलेज है। किसने बनवाया था? लो, अगला क्वेश्चन भी आ गया, बनारस संस्कृत कॉलेज के स्थापक संस्थापक कौन थे? वारन हेस्टिंग, विलियम जोन्स, गिलक्राइस्ट या जोनाथन डंकन। तो इसको किसने बनवाया था? जोनाथन डंकन ने बनवाया था, कलकत्ता मदरसा, वारन हेस्टिंग। आगे, मैकाले के प्रतिवेदन को पूर्ण रूपेण स्वीकृति किसने दी थी उस समय? कौन? तो प्रतिवेदन को स्वीकृति वही देगा जो उस समय गवर्नर जनरल होगा। ऑकलैंड था क्या?
वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलेजली। तो मैकाले के समय विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे और उन्हीं उनके प्रतिवेदन को पूर्ण रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। आगे तीन प्रश्न अगले बचे हैं, फटाफट इनको कंप्लीट करते हैं। कहा गया कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना लागू की गई किस क्षेत्र में, प्राथमिक, माध्यमिक, प्रौढ़ और या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई। अब देखिए कितना बढ़िया, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो कितना अच्छा हमारा पेपर सॉल्व होता है। नई शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई, कब प्रस्तावित की गई, 64 में, 73 में, 86 में, 92 में। तो 1986 में फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से नई शिक्षा नीति, और 2020 हमारा आ चुका है, नई शिक्षा नीति उसकी आ चुकी है। बुक में आपको नई शिक्षा नीति के बारे में भी पूरा डिटेल मैंने बताया है। आगे मैं प्रयास करूंगा कि नई शिक्षा नीति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको भी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 49 नंबर, 49 नंबर का है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक, शारीरिक शिक्षा का एक संस्थान है, कहाँ है, झांसी है, ग्वालियर है, पटियाला है या फिर लखनऊ है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब होगा ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक मेरठ में भी बन रहा है, उसका नाम बताइए। देश के अध्यापक शिक्षा पद्धति की योजनाबद्ध व समन्वित विकास करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है। तो टीचर्स एजुकेशन से संबंधित संस्था कौन सी है, तो टीचर एजुकेशन से संबंधित संस्था हमारी एन नैक, NIEPA, NCERT, बवाल में मत पढ़ो, सीधे बताओ NCTE, ठीक है। हमारी संस्था कौन सी है, NCTE। तो ये 2003 के 50 क्वेश्चन सॉल्व हुए। आगे हम लोग इसको 51 से लेकर के 85 तक क्वेश्चन है, इसको अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे मैं कल आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा रिसर्च से संबंधित, जिसे हम लोग पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा। जो साथी रिवीजन बैच स्टार्ट करने के मूड में है तो मुझे मेरा नंबर लगभग सभी के पास है और चैनल इस पर भी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, आप लोग बताइए तो उस हिसाब से फिर एक रिवीजन बैच ऐप पर लागू किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, भारत माता की जय।